जिंदाबाद, क्या बात आकाश, लाजवाब, बेमिसाल। गणपति बाबा का दरबार सजा है। वो ये सुनने साहब कह रहे थे यार गणपति जी पे कुछ लिख लो यार, मैंने कहा मैं तो अपने हिसाब से लिख सकता हूँ। नहीं बाबा पे लिख दो आप। बाबा की बात मत करो यार, ये राम का नाम सारों ने मिलके ऐसा डुबोया है ना साहब कि मुझे तो पतंजलि वालों से भी डर लगने लगा। हाँ अब वो ठीक है कि उन्होंने बिजनेस पकड़ लिया। तो मैं कहाँ था, बाबा जी के गणपति बाबा के दरबार में। तो मैंने कहा देख भाई मैं अपने हिसाब से कर सकता हूँ, मैं अपने हिसाब से कैसे करूंगा, देख इधर देखो। हाँ लो कर लो। अच्छा साहब काले रंग की भी बड़ी समस्या रहती है। अच्छा वो मोदी जी ने एक दिन घोषणा कर दी कि काला धन सबका जब्त होगा। अच्छा नहीं हंसने की बात नहीं, मेरी बीवी मेरे से भी ज्यादा काली है। आपका धन वही है क्या? मेरा तो धन वही है, यहाँ तक तो समस्या कोई विशेष नहीं थी। मैंने कहा चलो समस्या तब हो गई जब मोदी जी ने कहा काला धन सार्वजनिक करो। ये बढ़िया है। कैसे कर, चाय वाय लाए थे व्यास साहब, आजकल क्या है चाय वालों के लिए कोई कुछ ना बोले तो ही बेहतर है। कल को पता नहीं क्या कौन कब कैसे क्या बन जाए। अपना तो अपने तो श्रद्धा सुमन रखते सेवा करते रहो आप। हाँ आशीष ने भी अच्छी कविता पढ़ी, बधाई। आपके आपके बहुत अच्छी यहाँ पर व्यवस्थाएं भी हैं और सबसे बढ़िया बात यह है कि आप में प्रतिभाएं भी हैं। कई जगह हम लोग जाते हैं तो वो सिर्फ हमें सुनने आते हैं, उधर से कुछ नहीं आता, यहाँ उधर से ज्यादा आ रहा है, इधर से कुछ नहीं जा रही है, मेरे को ऐसा लग रहा है। ये आपका बड़प्पन। चलिए तो पुष्प नहीं है हाथ आज सजती तलवारें, गणेश वंदना अगर मैं अपने अंदाज में लिखूंगा तो यही लिखूंगा कि पुष्प नहीं है हाथ आज सजती तलवारें, चौदिश गूंजे वंदे मातरम की ललकारें, है प्रसाद नर मुंड और रक्तिम चंदन है, महादेव के पुत्र तुम्हारा अभिनंदन है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया शानदार। मैं तो ऐसे लिख सकता, अच्छी लगी, बढ़िया। एक बार वापस सुनो, वापस सुनो कि रक्त पुष्प नहीं है हाथ, हाथ में पुष्प नहीं है आज हमारे, पुष्प नहीं है हाथ आज सस्ती तलवारें, चौंतीस गूंजे वंदे मातरम की ललकारें, है प्रसाद नर मुंड और रक्तिम चंदन है, महादेव के पुत्र तुम्हारा अभिनंदन। और शक्तिशाली बने राष्ट्र ऐसा ही बल दो, हम महादेव से, हम महादेव के पुत्र से अपनी अपनी तरक्कियां मांगते हैं। ये कवित्री और आगे आती है। अरे ये तो बहुत प्यारी बच्ची है, आते ही मेरे को डांट दिया। मैंने जरा सा इसको कहा और बेटा क्या हाल है क्या? इसका हौसला देखो, बिना बुलाए मंच पे आ गई है। नहीं नहीं हौसला तो हौसला का घोंसला बैठा है ना यहाँ। बहुत बढ़िया। तो महादेव के पुत्र तुम्हारा कहाँ चले बाबूजी? अच्छा हाँ नहीं देखो प्राकृतिक पीड़ाएं हैं आपको माला अच्छा, पहनाने के लिए आ रहे हैं वरमाला। नहीं नहीं आप तो आप अपना काम करो साहब। हाँ अच्छा पानी पी लो, सही बात है। और ये जो पीछे जो बैठे हैं भाई लोग उधर नजर नहीं आ रहे हैं काले धन की तरह, इनको भी सार्वजनिक करो आगे बुला के। सार्वजनिक ठीक है, थोड़ा दूर है, पास आ जाए तो बढ़िया। एक वो खड़ा है काफी देर से भाई मेरा, वो थंबा पकड़ के खड़े हैं, थंबा गिर जाएगा ना इसीलिए। थंबा तो क्या गिरेगा भाई मेरे, बैठ जाओ, ईश्वर ने अगर खड़े होने के लिए टांग दी है तो टिकाने के लिए कुछ ना कुछ दिया ही होगा। तो आइए फिर अपने अपने मूड में आते हैं कि पुष्प नहीं है हाथ आज सस्ती तलवारें, चौदिश गूंजे वंद। देखो मेरा नाम नौरंगी है, नौरंगी के मैं कुछ भी पढ़ सकता हूँ आपके। नौरंग पूरे हैं, कुछ भी कोई टेंशन नहीं है मुझे। स्वागत, बैठ जाए यश।